हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और भाई अभी तो मॉर्निंग हो चुकी है, बहुत फ्रेश मॉर्निंग हो गई। आज आप देख रहे हो मैं बहुत खुश हूँ भाई, क्योंकि आज का सीन ये है भाई, आज मेरी जो ट्रिप है, ठीक है, एक ट्रिप हम कर रहे हैं, ठीक है, मैं और एक अपना भाई है। आज अपनी ट्रिप का डे वन है, अभी घर से शुरू हो जाएगा, जो कि दिन में 1 बजे हम निकलेंगे। और बाकी भाई ट्रिप कहाँ की है वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा, ठीक है। बहुत लंबी ट्रिप है, लंबी तो नहीं, ठीक है, मतलब है अच्छी खासी ट्रिप है, जिसमें मतलब 1 हफ्ता हमें लगेगा, ठीक है। और बाकी भाई बहुत मज़ा आने वाला है, आप लोगों को भी बताऊंगा वो ट्रिप के बारे में, सब कुछ बताऊंगा भाई, कैसा हुआ क्या हुआ लास्ट में। बट ट्रिप की मतलब जो चीज़ें मैं करूंगा वो सब तो आप देखते रहोगे व्लॉग्स में, डेली देखना भाई। बहुत मस्त ट्रिप है, बहुत मस्त ट्रिप है, बहुत क्या बोलता रहता हूँ मैं भी, बहुत मस्त ट्रिप है भाई, ठीक है, आप लोग बहुत इन्जॉय करो। मम्मी तो मैं जा रहा हूँ, जाऊँगा मैं तो थोड़ी देर में। कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया करके इस बार भाई होली में भी यहाँ नहीं आना, क्योंकि इस बार भाई ट्रिप में ही चले जाते हैं। तो भाई मैं अपनी ट्रिप के लिए निकल चुका हूँ, ठीक है, और जिसके संग मैं जा रहा हूँ वो अपने भैया के संग, मैंने बता दिया था। निक्की भाई क्या हाल है, फुल पावर, फुल पावर, चलें फिर, चलो। तो भाई निक्की भाई आ चुके थे, हाँ ये अपना बिल्लू भी आ रहा है भाई, बिल्लू को लेके जा रहे हैं हम ट्रिप में, ठीक है। तो बाकी का सीन ये है कि अभी हम निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं भाई सीधा द्वाराहाट, जहाँ पे हमारा पहला स्टे रहेगा, जो कि निक्की भाई के घर पे रहेगा, ठीक है। तो बस अभी चलते हैं, निकलते हैं, बाकी फिर देखते हैं क्या होता है। बस मौसम हो रहा है यार, यही चाहिए था। और भाई वहां जहां हम जा रहे हैं ना भाई, वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप क्योंकि ज़रा कुछ डगमगा रहा है, प्लान डगमगा तो नहीं रहा है, मतलब बहुत कुछ और भी कर सकते हैं ना उससे पहले, तो इसलिए भाई वो तो बाद में बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है कि बाद में बताऊंगा, थोड़ा सस्पेंस रख रहा हूँ, तो आराम से बताऊंगा। बाकी अभी निकल तो चुके हैं हम और रानीखेत, अच्छा आज हम रानीखेत से जाएंगे ना, तो आज रानीखेत दिखाऊंगा तुम्हें भाई। और अभी तो हम पहुंच चुके हैं भाई काठगोदाम रेलवे स्टेशन के यहाँ पे, जो कि सामने है मेरे। हाँ बताओ, रानीखेत पहुंचते रात हो जाएगी, हाँ रानीखेत पहुंचते हुए रात हो जाएगी भाई, क्योंकि हम निकल ही इस टाइम पे रहे, अभी तीन मान लो, क्योंकि देखो ट्रैफिक इतना है, तीन काठगोदाम ऊपर चौथी पहुंचने तक। अपने ट्रिप को एंजॉय कर रहा है भाई, कर रहा है, कर रही है भाई, फीमेल है, सॉरी गिन्नू, सॉरी गिन्नू, यो गिन्नू, यो गिन्नू, कैसी हो? आजकल लोग गाड़ियों में वो लगा रहे हैं क्या, पीसीआर लाइट्स, गो करके कुछ है, गो करके, गोप्रो नहीं, गोप्रो तो कैमरा है, पता नहीं कुछ है उसमें ना, उसकी आपका मतलब स्पोर्ट्स कार बन जाती है, वो AI मॉड्यूल है, है? हाँ, तो उसको वो ऐसे वो इसके आपके एस्केलेटर से जोड़ते हैं, तो उससे मतलब एकदम आपकी स्पोर्ट्स कार बन जाती है, कोई भी कार व्हीकल में लग जाएगा, ये भी सही है भाई। तो 14-15 हजार पर ये है कि उससे तुम्हारी पिकअप भी अच्छी हो जाती है, तो गुन्नु तो गिर गया, बताओ गाड़ी में ब्रेक लग रहे हैं और गुन्नु बेचारा नीचे को आ जा रही है, गुन्नू के लिए बड़ी दिक्कत हो गई यार, गुन्नू को कहाँ बैठाएंगे, उसके लिए बैग भी लाए थे, उसके लिए बैग भी खरीद के लाए स्पेशल भाई, और मैंने तो भाई अपने ऊपर पूरे गुन्नू का कपड़ा रख रखा है, देखो इंतजाम
इंतजाम, बट गुन्नू आई नहीं रहा, फोन है गुन्नू की जगह पे। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं सलड़ी से थोड़ा सा आगे, जो कि पुलिस चौकी है वहीं पे जस्ट बेंड पे। तो मस्त चल रहा है यहाँ, थोड़ा ट्रैफिक हो गया, लेकिन देखो ये हो जाता है ना बाहर की गाड़ी, हरियाणा हरियाणा की गाड़ी आती है और फिर दिमाग खराब पड़ती है। कोई बात नहीं, हम तो उत्तराखंड से है भाई। भाई गाड़ी की हालत, भाई ऐसे गाड़ी को मत करना ठीक है, क्योंकि भाई गाड़ी की हालत ऐसी इसलिए क्योंकि भाई अभी गाड़ी आई है दिल्ली से, तो ड्राइव करके थकान वैसी हो रखी, गाड़ी को भी थकान हो रखी है भैया, बिल्ली का और बिल्ली के संग आई है भाई, बिल्ली के बिल्ली का पूरा सामान है भाई, बिल्ली बिल्ली बिल्कुल ऐसे रह रही है और हम भाई हम भी ऐसे रह रहे, मतलब हम बिल्ली की वजह से थोड़ा वो रखे बढ़िया, ये बिल्ली का कपड़ा और गाड़ी बिल्कुल खतरनाक हो रखी है, ये बैग वैग ऐसे पड़े हैं और ये बिल्ली हमारी ऐसे सो रही है पूरी, और भाई पूरी पीछे वाली सीट में पूरे आराम से सो रही है, देखो इतने मजे कर रही है, बाकी इसका तसला है और बस यही है। और बाकी अभी भीमताल पहुंच चुके हैं भाई, और भाई ऐसे वैसे बिस्किट भी नहीं खाती भाई, खाने के लिए बिस्किट भी लाए हैं, वही तगड़े वाले लाए होंगे जहाँ से, मतलब वो बिस्किट फिश वाले भाई, तो वो खाती है। तो भाई इसके तो थाट हो रखे हैं, पूरी भयंकर सो रखी है पीछे वाली सीट में, मस्त लमलेट हो रखी है और हम लोग आगे बैठे हैं, हम भी अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है, भीमताल पहुंचने वाले हैं बस, एप्रोक्स 2-3 किलोमीटर बचा है और मस्त एंजॉय कर रहे हैं। बाकी सामने से ट्रैवलर भी जा रही है एक, और हम एंजॉय कर रहे हैं और ये भी एंजॉय कर रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, क्यों बढ़िया चल रहा है। तो गाइस फाइनली भीमताल पहुंच चुके हैं और बगल में मेरे भीमताल लेक, निकी भी मजा आ रहा है, फुल पावर मजा आ रहा है। और भाई अब तो भीमताल वाली रोड अच्छी हो गई थी, यहाँ तक भी करते थे तो इनका कुछ जाता नहीं, तो अब कर देंगे, कोई नहीं अब कर देंगे, तब कर देंगे, पता नहीं कब कर देंगे। और बाकी लेक का मस्त चल रहा है भाई, यहाँ मस्त व्यू आ रहा है लेक का और बोटिंग कर रहे हैं लोग। और भाई भीमताल में भी मुझे ऐसा कुछ मतलब मौसम में चेंज सा महसूस तो हुआ नहीं, ठीक है, ठंडा ऐसा कुछ लगा नहीं, जैसा गर्मी वहाँ और थी वैसे ना थोड़ा सा लिटिल चेंज हुआ है, ठीक है, थोड़ा बहुत हवा में थोड़ा चेंज की, हवा थोड़ी सी चिल्ड हो गई है, बाकी तो वैसी नॉर्मल वेदर है, ठीक है, और गर्मी यहाँ भी बहुत है भाई। तो बाकी चल रहे हैं मस्त, फुल पावर, लेट्स गो फुल पावर। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं भवाली में और अभी लगा रहे हैं गाड़ी साइड में पार्किंग में, ठीक है, क्योंकि यहाँ भाई मैं हमेशा जब भी हम लोग आते हैं, मैं तो ज्यादा नहीं खाता तो मतलब मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे भवाली पे एक रोतेला रेस्टोरेंट करके है भाई, बहुत तगड़े मट, ये कॉपीराइट वो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये स्पॉन्सर्ड नहीं पहली बात, और भाई बहुत तगड़े मोमोज बनाता है भाई, अभी जाता हूँ टेस्ट वैसी होगा तो खाएंगे भाई। गुन्नू चल रहे हो, इसको बैग में रखा है, हाँ बैग में, तो भाई गुन्नू को बैग में डालना पड़ेगा क्योंकि यार हर जगह से ले जा नहीं सकते, ऊपर हम तो ले जा लेंगे, लोग अलग सोचेंगे, ठीक है। तो इसका बैग भी है भाई, ये कितना महंगा बैग मंगा रखा है इसके लिए, ये बैग भी फुल पावर ला रखे भाई, ऐसे थाट तो मैंने नहीं करे अपने बचपन में यार, कहीं भी हक देता था, कहीं भी मुद देता था, महंगा कोई नहीं था। ये देखो कितने मजे कर रही है, बैग में डाल के ले जाएंगे, अच्छा ये रख देंगे अब तो, बताओ यार एस्ट्रोनॉट क्या हो गया बे? चलो और भाई ये कितना क्यूट तरीके से बैठ गई भाई, ये देखो भाई बहुत तगड़ा बैग है, अबे भाई कैसे जा रही है भाई, बहुत पनी लग रहा है लेकिन अच्छा लग रहा है। चलो कुत्ते को भी डाल दूं मैं, कुत्ते को कंधे पे बांध दूं मैं। लो भाई बस पहुंच गए,
मैं गाड़ी थोड़ी आगे लगाई क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक लग जाता ना रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट के बाहर बहुत स्लिप होती है। तो भाई मैं आ चुका हूँ अभी मोमोज खा के, ठीक है, और बैठते हैं गाड़ी के अंदर जल्दी से। और इसने तो बहुत ही नखरे कर दिए भाई। ओए अरे भाई, भाई गाड़ी के बाहर आने को बिल्कुल उतावली हो रखी है। देखो भाई यहाँ आके कितनी शांत हो गई है, वहां पे ऐसा करने लग गई थी ना भाई मेरी फटके हाथ में आ गई थी कि इसकी कहीं सांस वास तो नहीं रुक रही है ऐसे मतलब। भाई खतरनाक बिल्लियों के संग भी, मतलब यार इनके संग डाला था क्या इसका? क्या डाला था उसमें? वीडियो बनाई थी क्या? हाँ बनाई ना थोड़ी थोड़ी। भाई तुम्हें एक चीज दिखा रहा, बिल्लू कहाँ चली गया देखो। ये मेंटो जिंदगी गुन्नो, वो हमारा वो है गुन्नो, रियर कैमरा ये तगड़ा गुन्नो, ये देख भाई साहब तगड़ा बिल्कुल भाई, ऐश की जिंदगी जी रहा है, ऐश की जिंदगी, बिल्लू ऑन फायर, बिल्लू ऑन फायर। हमारे कंपनी में एक वो लगा था भाई, लोगो चश्मा कैसा लग रहा है मेरे पे? अच्छा लग रहा है ना, बढ़िया सा एकदम। भाई ये तो यहाँ टांगों के बीच में घुसने की भी आदत है इसको, लग रहा है ये घुस रहा है टांगों के बीचों में ही घुस रहा है। बिल्लू है भी तो। अच्छा घुस रही है, घुस रही है। ये देखो ये पूरा चाह रहा है कि आज गाड़ी पलटा दूं। और गाड़ी पलट भी सकती है अगर ऐसी करेगा तो। ये आज गाड़ी तेरा बिल्लू चलाएगा। तो भाई कैची धाम मंदिर भी हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी ही देर में। ये 3 किलोमीटर दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा था, तुम लोग देख नहीं पाओगे, वाइड एंगल में कैमरा कर रखा है, सॉरी फॉर डेट। और बिल्लू ने हमारे टी शर्ट में एक निकाल दिया है, टिल्लू रुआ निकाल दिया, रुआ क्या पीछे आज ही नहीं टी शर्ट लेके आया। हाँ बिल्लू तू भी आ रहा है कैमरे में, देखते रहना बिल्लू को भी। बिल्लू को मैं नहीं देख पा रहा क्योंकि मैं कैमरे में देख रहा हूँ, तो बिल्लू को देखो आराम से, बिल्लू को एंजॉय करो, मुझे भी एंजॉय करो, भाई को भी एंजॉय करो और मौसम को भी एंजॉय करो। मस्त चल रहा है एकदम सीन शॉट। और चश्मा बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लग रहा है तुम्हारे भाई पे, नहीं तो अभी खरीद लूंगा, या तो मेरा ही लेकिन फिर भी एक और खरीद लूंगा, अच्छी और अच्छा खरीदूंगा ना इस टाइप का, दो मस्त एकदम पावर। बाकी चले जा रहे हैं, मजा आएगा। और मौसम में बहुत चेंज है भाई, बहुत ठंडा, अच्छा खासा ठंडा होने लग गया है। मैं अभी लेकिन हाफ टी शर्ट में हूँ क्योंकि मुझे नहीं लग रहा ज़्यादा मैं ज़्यादा हॉट हूँ, बाकी तो मस्त चल रहा है। चश्मा बता देना भाई, पक्का बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो अच्छा बोलना, गंदा लग रहा है तो गंदा बोलना, एकदम जेन्युइन वो देना अपना रिव्यू, ठीक है। चलते हैं, भीड़ मस्त है भाई, कैची धाम पहुँच चुके हैं, ठीक है, और भीड़ बहुत खतरनाक हो रही है यहाँ पे। निक्की भाई, हाँ जी, कैची धाम की भीड़ देख के क्या कहना चाहोगे? पूरा दिल्ली यूपी राजस्थान सब भरा पड़ा है भाई, सब भरा पड़ा है। रुक लो भाई, ये देखो सामने, दर्शन कर लो यहीं से, हाथ जोड़ लो मेरे ब्लॉग से, बोल दो जय नीम करौली बाबा। ये देखो भाई साफ साफ दिखा दिए तुम्हें, दर्शन करा दिए, मस्त मस्त घर बैठे बैठे आराम से एंजॉय करो, सबका भला होए, सबका बढ़िया होए, सब एंजॉय करो, सब अच्छा पैसा कमाओ, सब चंदा भी दे दो, यहीं से मेरे को भेज दो, मैं यहाँ चला दूंगा और सब उन्नति में रहो, बढ़िया है। चलो अच्छा दर्शन कर लिए, दर्शन कर लिए तो बढ़िया भाई, कमेंट सेक्शन में जय नीम करौली बाबा की भी लिख दो और बाकी एंजॉय करो आगे के ब्लॉग को। ये कुछ दुकानें हैं भाई यहाँ की, जहाँ से अगर तुम्हें कुछ सामान वामान चलाना होगा तो यहाँ से लेके चला सकते हो, बहुत सी दुकानें कहीं से भी चला सकते हो। ये देखो बहुत सी है, मैं किसी का प्रमोशन नहीं करने नहीं आया हूँ यहाँ पे, बट बता दे रहा हूँ आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि अगर आप लोग आओगे तो और पूजा पाठ का सामान चाहिए होगा तो यहीं से लेना, यहाँ से ले सकते हो, मतलब लेना नहीं है। रानीखेत के लिए हम कट चुके हैं, जो कि रानीखेत से जाएंगे क्योंकि हम अपने वहाँ द्वारा हाट को भाई साहब ये साला मूड डाइवर्ट करते हैं मेरा। चलो भाई रानीखेत को चलते हैं, फिर रानीखेत ज्यादा होगा भी नहीं, यहाँ से 30 किलोमीटर है तो चलते हैं। तो भाई द्वाराहाट मैंने आपको दिखाया अभी, ठीक है, तो द्वाराहाट ही जाना है अभी हमने। ओ भाई क्या मस्त हो रहा है, देखो हवा ठंडी ठंडी चल रही है,
क्या व्यू आ रहा है, क्या पता रानी गेट बहुत ज्यादा सुंदर है ना, मस्त है अल्टीमेट। देखो कितनी मस्त रोड है भाई, यही तो अपने कुमाऊं की खासियत है, ये तो अपने उत्तराखंड की खासियत है। देवभूमि 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 उत्तराखंड, जय देवभूमि जय उत्तराखंड फुल पावर। और भाई रानीखेत यहाँ से बचा है आप अप्रॉक्स बचा 20 किलोमीटर भाई, तो बस रानीखेत पहुंचेंगे उसके बाद थोड़ा टाइम में सीधा दौरा। ये देखो भाई ताजा ताजा पानी भाई, हमारे वहाँ क्या बोलते हैं इसको, स्रोत स्रोत का पानी देखो भाई इतना ठंडा हो रहा होगा ना अभी। 24x7 अवेलेबल रहता है इसमें, गाड़ी दे दो, ट्रक भी धो गया भाई ने किसी का ट्रक है उन्होंने ट्रक भी धो रखा है। ₹350 देने से अच्छा यहाँ आ जाओ और अपना ठंडी हवा भी खाओ, ठंडा ठंडा पानी पी के भी जाओ, आरो प्यूरीफाइड बेटर है। देखो क्या मजे है, किया गया बढ़िया रायता बन रहा है, बना है बन रहा है बढ़िया एक नंबर, टॉप का है, फुल पावर है, फुल पावर फुल पावर फुल पावर डबल एक्सल है, एक्सट्रीम पावर रायता बढ़िया है, बिल गया रायता खाते हैं, पकौड़ी खाते हैं और क्या है, और जो जो होगा थोड़ा थोड़ा टेस्ट करेंगे भैया, चने भी टेस्ट कर लेंगे, बता दे रहा हूँ अब। हेलो कर दो तो भाई, भैया की शॉप है रानीखेत वाले रूट, मतलब रानीखेत को जाते टाइम वाले रास्ते में ना, और बहुत बढ़िया बनाते हैं, मैं तो बहुत बार आता हूँ भैया के यहाँ, तो बढ़िया है आज आते हैं फिर से। ये देखो भाई बढ़िया पहाड़ी रहता, रानी इसको हम क्या बोलेंगे, थोड़ा बहुत स्नैक्स भी बोलेंगे, पकौड़ी पहाड़ी पकौड़ी और पहाड़ी रहता भाई मस्त। भैया जी लाए चटनी हमारी बढ़िया सी, और अभी चटनी को खाएंगे, ये भी अच्छी होती है, बस शुरू करने की भाई, करो फिर करो, लो आनंद फुल पावर। ये हम उठाएंगे भाई पहले, ये देखो ऐसे डिप करेंगे रायता में, और भाई इसको अगर तो चाय बनाना है, हाय नेगी जी ने दिल जीत लिया, फुल पावर कर दिया नेगी जी, मजा आ गया, पकौड़ी और लगाओ। थैंक यू, ठीक है और चले फिर, चले हो गया भाई अपना चाय ब्रेक भी हो गया, नींबूस ले लिया मस्त, तुमने भी ले लिया, ले लिया भाई ले लिया ले लिया, बिल्लू डॉन अपना सो गया है, बिल्लू ने अपने नजारे ले लिया, बिल्लू ने अपने पहली बार मुर्गी देखी भाई साहब। चलो भाई चलो अब सीधा, थोड़ा सा बचा आप कहीं रुकना नहीं है, हमने गोली चलना है पहले, वो तो लगा ले सीट बेल्ट, हाँ वो लगा रहा हूँ, और बात अरे सीट बेल्ट भी लगानी होती है लगाने को। बिल्लू ने अपना सीट ग्रहण कर ली है, अब बिल्लू अपने अड्डे में बैठ चुका है, बगल में इतना प्यारा मंदिर है भाई, एक घर में वो वाला मंदिर, एक घर में ये वाला मंदिर, मजे ही मजे इसकी माँ के, मजे ही मजे ऐसा घर हो गया अंकल, इसकी माँ के मजे मजे ऐसे घरों साइड दोनों साइड मंदिर ही मंदिर इसकी माँ के मजे मजे।
तो निक्की भाई हंस के रहे हो। तो भाई यार रात का बज चुका है, मतलब अब तो 12 बज गया शायद, 12:30 हो गए भाई। एडिटिंग कर रहा था, मॉर्निंग हो चुकी है, ठीक है मॉर्निंग हो गई ना, 12:30 हो गया निक्की भाई। तो भाई यार 12:30 हो चुका है और मेरी आंखें बिल्कुल नशीली हो रही होंगी क्योंकि भाई मुझे आ रही बहुत तगड़ी नींद, ठीक है। तो भाई अभी का सीन ये, अभी मैं करने आया हूँ इस व्लॉग को एंड। मुझे याद आया कि मैंने व्लॉग एंड नहीं किया था, जस्ट फॉर एंडिंग व्लॉग मैंने अभी कैमरा पकड़ा भाई और लाइट ओपन करी, लाइट भी बंद कर दी थी, ठीक। तो बाकी अभी इस व्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पे एंड। आई होप तुम्हें ये व्लॉग देख के मजा आएगा भाई। अभी ये व्लॉग तो भाई स्टार्टिंग है यार, अभी स्टार्टिंग है, ये ट्रिप तो पूरी बची है, ठीक है। तो अभी तो हम बस आए हैं, तो बाकी अभी आप बहुत सी चीजें देखोगे, बहुत सी चीजें इंजॉय भी करोगे, बहुत सी चीजें डालूंगा मैं व्लॉग में, ठीक है। तो बाकी अभी आपको अगर ये व्लॉग देख के अच्छा लगा, आपने इंजॉय किया, तो भाई इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं गाइज नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय गाइज, बाय विद फुल पावर गाइज, फुल पावर। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लव यू ऑल। निक्की भाई कुछ कहना चाहोगे? गुड नाइट। Oh, oh, oh.